हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर द ग्रास होपर एंड द आंट फ्रॉम द यूनिट 10 ऑफ द इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास सेकंड बुक. देखिए, ग्रास होपर आपके पास क्या है? ये दिस इज अ ग्रास होपर एंड एंट्स, ये है हमारे पास एंट्स. हम इनकी स्टोरीज में पढ़ेंगे. जो ये स्टोरी है, देखिए, वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रास होपर. एक बार एक लेजी ग्रास होपर रहता था. लेजी होता है आलसी, सुस्त. आलसी एक ग्रास होपर रहता था. ही डिडंट लाइक टू वर्क, उसको काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. ऑल डे लॉन्ग ही सैंग सॉन्ग्स एंड प्लेड इन द वार्म सनशाइन. पूरा दिन वो क्या करता रहता था? ही सैंग सॉन्ग्स, वो सैंग सॉन्ग गाता रहता और प्ले करता था वार्म सनशाइन में, धूप में. हे लुक एट मी, कहता था कि हे मुझे देखो, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी, मैं इतना खुश हूँ जितना हो सकता हूँ. द ग्रास होपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग आंट्स. जो ग्रास होपर है, उन जो हार्ड वर्किंग आंट्स थी उनके ऊपर हंसता रहता था. एज दे वर्क डे एंड नाइट, जो कि दिन और रात मेहनत करती थी वो आंट्स, हार्ड वर्किंग थी बहुत, उनके ऊपर हंसता रहता था. वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड, उन्होंने कहा, हम जो बहुत लंबी जो सर्दियां आने वाली हैं उनके लिए अपना खाना स्टोर करके रख रहे हैं ताकि उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो. द लेजी ग्रास होपर ओनली लाफ्ड लाउडर, जो लेजी ग्रास होपर था वो बहुत तेज तेज उनके ऊपर बस हंसता गया, कोई रिप्लाई नहीं किया. समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अहेड, जैसे ही समर ख़त्म हुई और कोल्ड विंटर, ठंडी जो विंटर शुरू हो गई, द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज हवा चली एंड इट स्टार्ट स्नोइंग, और यहाँ तक इतनी ठंड थी कि बर्फ भी पड़ने लग गई थी. द ग्रास होपर नाउ बिगिन टू वरी, अब जो ग्रास होपर है वो टेंशन लेने लग गया, वो चिंता में होने लग गया. वरी होता टेंशन, चिंता. देर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स. अब ना तो उसके पास खाने के लिए कुछ था, ना ही ग्रास थी, ना फ्लावर्स थी, ना ही लीव्स थी. आई कांट सी इवन द टीनिएस्ट फ्लाई और वॉर्म, उसने कहा कि मैं जो है, आई कांट सी, मैं नहीं देख सकता इवन अ टीनिएस्ट फ्लाई, उसको ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही एक छोटी सी फ्लाई करते हुए कोई चीज, मक्खी या कीड़ा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ताकि वो उसको खा सके. व्हाट विल आई डू, अब मैं क्या करूँगा? आई विल श्योरली स्टार्व, स्टार्व होता है भूखा मर जाना. कहते कि अब तो मैं पक्का भूखा मर जाऊँगा. ही क्राइड, वो चिल्लाया, लेट मी मीट माई काइंड नेबर द आंट, कि मुझे मेरे अपने काइंड नेबर आंट से ही मिलवा दो. द ग्रास होपर रिमेम्बर हाउ द हार्ड वर्किंग आंट हैड स्टोर्ड अवे अ ग्रेन फॉर द विंटर. ग्रास होपर को याद आया कि कैसे जो वो हार्ड वर्किंग आंट थी, उन्होंने अपने लिए खाना शुरू किया, स्टोर किया था विंटर के लिए. ही नॉक्ड एट हर डोर, अब उन्होंने जाके उनका दरवाज़ा खटखटाया. नॉक होता है खटखटाना. डियर आंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड, उसने कहा, डियर आंट, मैं भूखा हूँ और कोल्ड हूँ. ठीक, कोल्ड मतलब ठंड लग रही है उसको. आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है. प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? द एंट शुक इन एंगर, जो एंट थी वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई. लेजी वन, उसने कहा, आलसी, व्हाट आर यू डूइंग ऑल समर, कि आप पूरी समर क्या कर रहे थे? यू वर ओनली लिसनिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, सिर्फ तुम क्या कर रहे थे? सिंगिंग और डांसिंग कर रहे थे पूरी गर्मियाँ, और हम तो हार्ड वर्किंग कर रहे थे. यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, कि तुम्हें कोल्ड विंटर मंथ्स के लिए पहले से ही सोचना चाहिए था. गो अवे, उसने कहा, जाइए. शी स्लैम्ड हर डोर शट, स्लैम्ड होता है बहुत तेजी से धक्का मार के बंद कर देना दरवाज़ा, फोर्सफुली.
तो उसने अपने डोर को एकदम तेजी से बंद कर दिया। द लेजी ग्रास ओपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, वो जो लेजी ग्रास ओपर था वो वैसे की वैसे रह गया जैसे वो भूखा था। देखो ये है ग्रास ओपर। अब देखो बच्चों, इस कहानी से हमें अगर सीखने को के लिए बहुत कुछ मिल सकता है कि हमें टाइम रहते मेहनत करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट है ये सोच रहे होंगे कि जैसे अब कोविड का टाइम था, स्कूल बंद हैं, है ना, कि ऑनलाइन ही तो है, ऑनलाइन ही तो पेपर देने हैं, क्या हमें हार्ड वर्किंग करने की नीड है। लेकिन वो आगे आपके ही काम आना है, किसी और के काम नहीं आएगा। कुछ चीज़ें हैं जो मेहनत है हमारी, वो हमारे लिए ही रंग लाती है। कभी ना कभी ज़रूर हम सक्सेस होते हैं उसी मेहनत की वजह से। ऐसा नहीं है अगर हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, फिर क्या, फिर कर लेंगे, फिर करने वाला फिर में ही रह जाता है। जैसे ये ग्रास होपर था, ये सोचता रहा बाद की बाद में देखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता है कि हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जब उनको पता है कि विंटर में उनके लिए खाना नहीं मिलेगा, तो फिर भी उसको करना चाहिए था, तो इन्होंने नहीं किया और आंट्स ने अपना खाना करके रखा स्टोर, तभी वो सक्सेस हो गई। तो इसलिए बच्चों, हमें टाइम रहते अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर हम पहले से ही तैयारी करते रहेंगे, बाद में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें न्यू वर्ड्स, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मीन्स होगा हमारे पास बहुत मेहनत करना। टू वर्क विथ एनर्जी, इसका मीनिंग क्या हुआ, टू वर्क विथ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास अराइव्ड। अराइव्ड होता है कहीं पहुंचना, जैसे वो उनके पास पहुंचा था ना, अराइव आंट्स के पास पहुंचा था। टू रीच एट अ प्लेस, टू रीच एट अ प्लेस। नेक्स्ट है स्टार। स्टार होता है भूखा मर जाना, टू डाई फ्रॉम हंगर, टू डाई फ्रॉम हंगर, भूख के मारे मर जाना। नेक्स्ट है जो हमारे पास है स्लैम्ड। स्लैम्ड मीन्स क्या होगा, बहुत तेज कोई चीज़ बंद करना फोर्सफुली, टू शट समथिंग फोर्सफुली, टू शट समथिंग फोर्सफुली। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी रीडिंग इज फन। हाउ डिड द ग्रास होपर स्पेंड हिज डे, ग्रास होपर ने अपने डेज कैसे स्पेंड किए। द ग्रास होपर स्पेंट, सेकेंड डिड है क्योंकि सेकेंड फॉर्म बन जाएगी यहाँ पे। द ग्रास होपर स्पेंट हिज डेज बाय ओनली सिंगिंग एंड प्लेइंग। यहाँ क्या लिखोगे आप, ओनली, बाय ओनली सिंगिंग एंड प्लेइंग। नेक्स्ट इज डिड द ग्रास होपर फाइंड फूड इन विंटर, क्या उसको सर्दियों में फिर खाना मिला था विंटर में। नो, द ग्रास होपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर। वट डिड द एंट टेल द ग्रास होपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर गुड फूड, जब उसने उसको खाने के लिए कहा था तो उसने एंट ने उसको क्या कहा था। तो एंट ने कहा था, एंट टोल्ड द ग्रास होपर व्हेन वट आर यू डूइंग ड्यूरिंग समर, कि आप सर्दियों में क्या कर रहे थे, यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग। ठीक है, वट आर यू डूइंग ड्यूरिंग समर्स, यही कर लेना। जब उसने कहा था ना उसको खाने के लिए, उसने कहा ग्रास होपर टोल्ड द एंट टोल्ड द ग्रास होपर वट आर यू डूइंग ड्यूरिंग समर व्हेन वी आर collecting food for us. Now let's talk, if you were asked to store things for the winter, what would you store? Name any three things. उसने कहा अगर आपको कोई स्टोर करने के लिए बोलता तो आप क्या स्टोर करते, क्या स्टोर करके रखते हम, तो हम कुछ भी बता सकते हैं। हम अपने लिए फूड स्टोर करके रखते, हम अपने लिए क्लॉथ स्टोर करके रखते, नट्स खाने के लिए, नट हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये स्टोर करके रखते हैं, पल्सेस। विच सीज़न डू यू लाइक द बेस्ट, कौन सा सीज़न आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसको जो लगता है वही राइट करेंगे। जैसे मैंने कहा आई लाइक रेनी सीज़न, मुझे रेनी सीज़न अच्छा लगता है, तो आई लाइक रेनी सीज़न। नेक्स्ट इज
टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रास ओपर एंड द एंट इन योर ओन लैंग्वेज. हमें स्टोरी बतानी है ओन लैंग्वेज में. चलो एक बार मैं बता देती हूँ, फिर आप बताएंगे. एक बार एक लेजी ग्रास ओपर होता है, वो कोई काम नहीं करता, वो सारा दिन बिजी रहता है सॉन्ग करने में, सिंगिंग करने में, डांसिंग में, प्लेइंग. एक दिन उसने एंट्स को देखा, वो हार्डवर्क कर रही थी, तो उसको क्या लगा कि क्या ये फालतू में हार्डवर्क कर रही है. जब उन्होंने कहा, उनको देख के खुश होता रहता था, हंसता रहता था, कभी नहीं सोचा कि ऐसा टाइम भी आ सकता है. वो अपने विंटर के लिए जो एंट्स थी वो स्टोर कर रही थी फूड. अब जो एंट्स को तो पता था कि हमारे पास विंटर में जब कुछ नहीं होता खाने के लिए तो हम क्या खाएंगे, अपना स्टोर करके रख लेते हैं. अगर हमें पता है कि हमारे साथ ये हो सकता है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले से ही रख सकते हैं. तो ऐसा ही एंट्स ने किया, क्योंकि वो बहुत समझदार थी. लेकिन ग्रास होपर फिर बाद में क्या हुआ, एक बार जब विंटर हुई तो उसके पास देखा उसने, ना कुछ भी उसको दिख रहा है, कोई भी लीव्स नहीं है, कोई ग्रास नहीं है, कोई फ्लावर्स नहीं है. वो कैसे खाए, क्या करे, तो उसको समझ ही नहीं आया. फिर वो उसको याद आया कि वो जो ग्रास ऊपर है, जो एंट्स है, वो बहुत हार्डवर्क कर रही थी, है ना, उन्होंने स्टोर करके रखा होगा, हो सकता है वो मुझे दे दे. उनके पास गया, लेकिन एंट्स तो क्यों देंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से करा है. जब उनको बोला भी था करने के लिए तो तब तो वो उन पर हंस रहा था, तो उसने नहीं दिया उनको, अपना डोर क्लोज कर लिया. तो ग्रास ऊपर भूखा ही रह गया, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा. फिर नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग में हमने क्या करना है, सर्कल द वर्ड दैट मीन द सेम, जिसका सेम मीनिंग है. जैसे स्पीक, टॉक या शाउट. देखो स्पीक का मतलब भी बोलना, टॉक मीन्स भी बातें करना, और शाउट होता है चिल्लाना. तो ये दोनों सेम हो गए. नेक्स्ट है कंप्लीट करना, फिनिश और स्टार्ट. कंप्लीट होता पूरा हो गया, फिनिश मीन्स भी पूरा, स्टार्ट मतलब अभी शुरू किया. तो ये दोनों सेम हो गए. नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल, थिन और लिटल. स्मॉल मीन्स छोटा, थिन मीन्स पतला, लिटल मीन्स भी थोड़ा सा. तो ये दोनों स्मॉल हो गए, स्मॉल और लिटल सेम सेम है. नेक्स्ट है हमारे पास सिक, बीमार. इल मीन्स भी बीमार. स्टाउट, स्टाउट होता है थोड़ा सा फैट, चौड़ा, चौड़ाई में कोई भी चीज़ है. तो ये हो जाएगा सिक और एल. नेक्स्ट है बिग, लार्ज और फैट. बिग जो होगा वो होता है बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा, फैट मीन्स मोटा. तो इसमें भी यही आ जाएंगे टू. नेक्स्ट इज द वैपोर. व्हेन यू हियर विंटर एंड समर व्हाट आर द वर्ड दैट कम टू योर माइंड. उसने कहा जब तुम सर्दी और गर्मियों के बारे में देखते हो तो आपके माइंड में क्या क्या बातें आती है. राइट दीज वर्ड्स इन द बबल्स. ये लिखना है, ठीक है. तो जब हमारी सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, जैसे अब सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आते ही हम क्या करने लग जाते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचते हैं, हमारे पास शूज़ होने चाहिए, है ना, शूज़, सॉक्स. कभी हम स्कार्फ के बारे में सोचा इन्होंने, ठीक है, स्वेटर, स्वेटर हो हमारे पास, गरम गरम कॉफ़ी हो, टी हो, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में. ये अपने आप माइंड में आने लग जाती हैं जब ठंड लगती है. तो ऐसे ही आपसे जो आप करते हो, जो भी आपके माइंड में आता है, वही आपने राइट डाउन करना है. अब जैसे सर्दियों की गर्मी आनी शुरू हो गई हैं थोड़ी थोड़ी, अब और आ जाएंगी, तो सर्दी गर्मी आती हमारे माइंड में क्या आता, हाई आइसक्रीम होनी चाहिए, है ना, आइसक्रीम हो, एसी हो हमारे रूम में, हाई मैंगो मिले हमें, फ्रिज भी होना चाहिए, फ्रिज में ठंडा ठंडा पानी हो, मिल्क शेक हो, कोल्ड ड्रिंक हमें मिले, है ना. तो कोल्ड ड्रिंक से अच्छा है हमें मिल्क शेक पिए, मैंगो शेक, कोई भी शेक, है ना. नेक्स्ट से देखो, अब हमारे पास लेट्स राइट. लेटर्स विद नंबर आर गिवन इन द बॉक्स. पिक अप द लेटर अंडर ईच लेटर एंड रिप्लेस द लेटर बाय राइटिंग इट इन द ब्लैंक. हमारे पास क्या है, इन्होंने क्या दिया है नंबर वन में, अगर आप देखेंगे 24, 15, 3, इन्होंने यही कहा है इनके प्लेस पर जो नंबर बनता है ना वो राइट डाउन करना है. अब इनके जो नंबरिंग है वो हमारी थोड़ी सी नीचे गिवन है. देखो 24 का अगर हम यहाँ जो नंबर गिवन है हमें यहाँ से देख लेते हैं, 24, 15, 23. अब इसमें से देखते हैं पहले भी नीचे क्या वर्ड बनता है. 24, 15, नहीं तो पहले हम थर्ड फोर्थ का बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. नीचे वर्ड दिख रहे हैं, देखो 4 के प्लेस पर आप जाओ, 4 आपको दिखेगा ये वाला. यहाँ क्या है, W,
फिर हम नाइन है हमारे पास, नाइन के प्लेस पर क्या है, आई आई। ट्वेंटी टू के प्लेस पर है हमारे पास एन। फिर ट्वेल्व के प्लेस पर है हमारे पास ट्वेल्व टी। फिर हमारे पास है सिक्सटीन के प्लेस पर हमारे पास ई। फिफ्टीन के प्लेस पर है हमारे पास आर। तो ये क्या बन गया, विंटर इज वेरी। एट क्या है हमारे पास, एट के प्लेस पर सी। टेन के प्लेस पर है ओ। ट्वेंटी के प्लेस पर है हमारे पास एल। इलेवन के प्लेस पर है हमारे पास डी, कोल्ड। ऐसे ही वर्ड बनेगा, यहाँ से देख देख के वो वर्ड लिखते जाना कि एट का कौन सा है, टेन का कौन सा है, ट्वेंटी का, इलेवन का। तो विंटर इज वेरी कोल्ड। देखिए नेक्स्ट इसको देखते हैं एक बार। 23 नेक्स्ट वाले में, 23 पे क्या है एस। 26 पे गए हम, 26 पे है यू। 77 एम हो गया 7 का। फिर है 16 में है ई। फिर है 15 का है आर। ये क्या बन गया, समर इज वेरी। 4 का हमारे पास क्या है, 4 का वर्ड देखेंगे तो आप डब्ल्यू। 3 का आपके पास है ए। 15 का है आर। 7 का है हमारे पास एम। समर इज वेरी वार्म, समर जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। ऐसे ही हमारे पास आप इसके भी बना लोगे, इन दो के भी ऐसे ही बनाने हैं, इसमें से वर्ड्स आपको बुक में पूरे दिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर पिक्चर ए, सेंटेंस डिस्क्राइब व्हाट ईच एनिमल और पर्सन इज डूइंग। देखो इसमें जो हमारे पास सेंटेंस वन में इन्होंने बता रखा है ये क्या क्या कर रहे हैं, जैसे मैन इज साइकिलिंग, मैन इज रनिंग, टू गर्ल्स आर प्लेइंग, अ डॉग इज स्लीपिंग। ठीक है, इसने बताया। फिर इसने कहा अंडर पिक्चर बी राइट डाउन व्हाट इज इज डूइंग। बी वाले में भी लिखो वो क्या कर रहे हैं, यूज द वर्ड ही शी इट दे इंस्टेड ऑफ अ लेडी, अ मैन, टू गर्ल्स एंड अ डॉग। उसने कहा जैसे इन्होंने अ लेडी इज साइकिलिंग लिखा है तो इसमें इसका मीनिंग क्या है, लेडी के प्लेस पर क्या आना चाहिए, रिप्लेस करना है शी इज साइकिलिंग। मैन इज रनिंग, तो मैन क्या है, ही इज रनिंग। टू गर्ल्स, गर्ल्स हैं तो ज़्यादा हैं तो दे आर प्लेइंग। फिर है डॉग, इट इज स्लीपिंग। ऐसे ही हमें सेकंड वाले से बनाने हैं, कौन क्या क्या कर रहा है। अगर हम बात करें कौन क्या क्या कर रहा है तो हमने उसको करना है, यहाँ से देखोगे आप, इसमें अ मैन इज स्लीपिंग ऑन द कोट, वो खाट के ऊपर सो रहा है ना। यहाँ देखेंगे आप जो गर्ल्स हैं ऊपर वो क्या कर रही हैं, स्किपिंग, रस्सी कूद रही हैं। अगर हम इसको देखें तो क्या लिखेंगे, टू गर्ल्स आर स्किपिंग द रॉक। नेक्स्ट अगर डॉग देखें, डॉग दूध पी रहा है, अ डॉग इज लिकिंग मिल्क फ्रॉम द बाउल। वीमेन है वो कट कर रही हैं तो वीमेन इज कटिंग ग्रास। एक मैन है वो सो रहा है, मैन इज स्लीपिंग ऑन द कॉट। तो हमारी बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे ऐसे ही। फिर हमने उसके प्लेस पर जेंट्स है या बॉय है, मेल है तो आप ही वर्ड यूज़ करेंगे, फीमेल है तो शी, और अगर मोर देन वन है वो दोनों, चाहे बॉय है या गर्ल है तो दे वर्ड लगाओगे आप। और डॉग है जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उनके लिए इट लगाओगे, एनिमल्स के लिए भी इट लगाते हैं हम। नेक्स्ट है लेट प्रैक्टिस, द सन शाइन्स इन द स्काई, द सन है वो शाइन कर रहा है।